नमस्कार, हिमाचल के दंगल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। हिमाचल प्रदेश की राजनीति एक बार फिर हम कह रहे हैं कि दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। बयानबाजियां सब कर रहे हैं, खुद तो रमखान दिखाने के चक्कर में राजनेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कोई कह रहा है कि कर्ज में डुबा दिया, तो कोई कह रहा है कि हमने नौकरी नहीं दी। और साथ ही आपको बता दें कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। कभी भाई को भाई से अलग करती है, तो कभी बाप को बेटे से जुदा करती है। जितनी मर्जी वफादारी निभा लो, मगर सियासत कहाँ किसी से वफा करती है। जी हाँ, ये सत्य है, परम सत्य। सत्ता का नशा ऐसा होता है, आज यहाँ और कल वहाँ, ऐसा नशा होता है कि आज तू तू मैं और कल पक्की यारी। और चुनाव के दिनों में ये सब ऐसे तूल पकड़ने लगता है, मानो कल ही चुनाव होने वाले हों, मानो कल ही सरकार बनने वाली हो। आइए इसका नमूना देखिए आप हमारी इस खास पेशकश में, जहां पहाड़ की ठंडी फिजाओं में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार है और इस पारे में भुन रहे हैं सभी राजनेता। और वो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे तो रद्द करेंगे गैस का सिलेंडर, गैस का वो जो चूल्हा दिया हुआ है उसको भी रसोई से लेकर के चलेंगे। अब कल्पना करिए, सोच देखिए। कह रहे हैं कि जयराम की सारी योजना को बदल देंगे, हर काम को बंद करेंगे, जयराम की सारी स्कीमों को हम बंद करेंगे। तुम जयराम के खिलाफ जो बोलना चाहते हो, करना चाहते हो, वो करिए, मैं उस पर प्रभाव भी नहीं मारता हूं। लेकिन हमारी एक एक योजना गरीब लोगों के लिए है, क्योंकि गरीबी हमने करीबी से देखी है। जो भाषण दे रहे हैं कांग्रेस के नेता, उनने गरीबी को ना देखा है ना समझा। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए कैसे आग उबल रहे हैं प्रदेश के सभी नेता। एक दूसरे पर आरोप लगाकर कसीदे पढ़ रहे हैं, खुद की सरकार का काम बेहतर बताकर। गैस का सिलेंडर हिमाचल प्रदेश में 1150 रुपया पार कर गया है। महंगाई की ये हालत है। उज्ज्वला योजना चला दी हमने, दूसरी योजना चला दी, जबकि गैस का सिलेंडर अब भी 50 रुपए महंगा कर दिया गया। अब 1150 रुपए सिलेंडर खरीदने के बाद कौन इनको वोट डालेगा। कोई कह रहा है कि हमने नौकरी दी, तो कोई पूछा क्यों नौकरियां बेची। कोई उठा रहा है कर्ज का मुद्दा, तो कोई प्रदेश का दिवालिया पीटने का आरोप लगा रहा है। अभी जिन 5 प्रदेशों में चुनाव था उसका इतना शोर डाल रहे थे, उछल उछल करके हम आ रहे हैं, चनी साहब आ रहे हैं, चनी साहब जीत रहे हैं। 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से हम उत्तराखंड में आ रहे हैं, हम मणिपुर में आ रहे हैं, गोवा में आ रहे हैं। 5 प्रदेशों के चुनाव हुए, जिसे एक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी वहां से भी निपट गए। बदलने वाला बदल जाएगा, रिवाज नहीं बदले जा सकते। हाँ इतना जरूर है, सरकार बदली जा सकती है और सरकार बदलने का काम आपके हाथ में है। ये उनको कहिए, इस उछल कूद का कोई अभिप्राय नहीं, कोई मतलब। अगर रिवाज बदलने की शुरुआत हुई है, उत्तराखंड ने बदला, उत्तर प्रदेश ने बदला, तो हिमाचल प्रदेश भी बदल करके छोड़ेगा और हिमाचल प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनेगी। आने की कोशिश करेंगे, अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे, कहेंगे। कई बार बहुत विचित्र लगता है, आजकल क्या चल रहा है, बेरोजगार, क्या बेरोजगार है, क्या रैली, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जैसे कि बेरोजगार हमारी ही सरकार के दौरान हुई और इनकी सरकार के दौरान तो सबको जो है नौकरी, पक्की नौकरी लगी हुई। दिवालिया पिट गया हिमाचल प्रदेश का, 85,000 करोड़ का कर्जा होने जा रहा है और यहाँ पे एक आदमी बाबरा होके सुबह से 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, इनमें से कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। अरे आप सब कुछ कर दो, आपकी सरकार को, डूबती हुई सरकार को कोई नहीं बचा सकता। सीएम जयराम ठाकुर और विपक्षी दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री के अलावा सभी मंत्री, विधायक, नेता और प्रवक्ता जंगे मैदान में ऐसे कूद पड़े हैं कि आज ही मानो रण होकर रहेगा और विजयी होने पर राजगद्दी पर विराजमान
जीतने वाले को आज ही करवा दिया जाएगा। इसलिए कोई बेटा होने का दावा कर रहा है तो कोई कह रहा है कि वादा हमने पूरा किया। वो एक विधायक के रूप में नहीं, मैंने जब चुनाव लड़ा था आपसे आशीर्वाद मांगा था कि आप एक विधायक को नहीं चुनेंगे, आप एक बेटे को चुनेंगे, एक भाई को चुनेंगे और मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, महिलाओं के साथ हमेशा खड़ा हूँ। 145 लोग 37 किलोमीटर का बॉर्डर और हम ये सारा का सारा ड्रग्स का नशा कैसे रोकेंगे? हमारी सबसे पुरानी मांग नूरपुर को तुरंत पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, SP साहब को यहाँ बनाया जाए, इसको खत्म किया जाए। मुद्दा बागवानों का है, बेरोजगारों का है, गरीबों को पेंशन देने का, OPS लागू करने का और भी ना जाने क्या क्या सवाल जवाब सुन लीजिए। बुढ़ापा सबको आएगा, एक दिन हम भी बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन मैंने कहा आप भी बूढ़े हो जाएंगे और इसलिए मैंने कहा कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए हमारे बीच में से ऐसी भीड़ में कागज लेकर से पेंशन मांगने के लिए। ये सरकार की जिम्मेवारी है, 70 साल के ऊपर बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान हमने एक मुश्त में किया। जयराम के दरबार में जितना मर्जी चले जाओ, जितना मर्जी हाथ फैला लो, लेकिन आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देगी तो कांग्रेस देगी, हम देंगे। ये राजनीति है भैया, और यहाँ आज जो है वहाँ कल कोई और था। हो सकता है कि आने वाले कल में कोई और हो और परसों वो भी न रहे, हो कुछ भी सकता है। लेकिन पहाड़ पर इस बार क्या होता है, राजनेताओं की धुकधुकी बड़ी हुई है, वो इसी सोच में दिन रात बेचैन है। जनता क्या रिवाज हर साल वाला दोहराती है, मिशन रिपीट या फिर मिशन डिफीट को चुनती है, या फिर कुछ बिल्कुल अलग कर क्लीन स्वीप कर देती है। इंतजार सबको बेसब्री से है, आपको भी, हमको भी, और सबसे ज्यादा इन तुर्रम खानों को भी। जनता TV के लिए महिमा सिंह कंवर की रिपोर्ट।